जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने आगामी त्योहारों को लेकर पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन के व्हाइट हाउस सभागार में बैठक की, जिसके संबंध में जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने बताया कि आने वाले दशहरा पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए बैठक की गई है, जिसमें पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि त्यौहार के समय में सभी विभागों से अच्छा संबंध बना रहे और जुलूस के मार्ग में तार को ऊपर किया जाए, जिससे कोई दुर्घटना न हो। इसके संबंध में अधिकारी को निर्देशित किया गया है और जो विसर्जन स्थल है वहाँ पर साफ सफाई व लाइट की व्यवस्था की जाए, क्योंकि विसर्जन स्थल पर नवरात्र में ज़्यादा मूर्तियाँ विसर्जित की जाती हैं और वहाँ पर गोताखोर की व्यवस्था की सुनिश्चित किया जाए, जिसके लिए सभी विभागों को निर्देशित किया गया है। इस अवसर पर एसपी सिटी कृष्ण बिश्नोई, डीएफओ विकास यादव, एडीएम सिटी अंजनी कुमार सिंह, एडीएम फाइनेंस विनीत कुमार सिंह, एसपी साउथ अरुण कुमार सिंह, एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी, सीओ कैंट एएसवी मानुष पारेख, सीओ चौरी चौरा योगेंद्र सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुनी से बात करते हुए जिलाधिकारी कृष्णा करुणेश ने कहा, ये बेसिकली आगामी त्योहार की तैयारी के संदर्भ में हम लोगों ने बैठक रखा था। इसमें पुलिस विभाग के ऑफिसर्स, तहसील के ऑफिसर्स, इसके अलावा विद्युत विभाग, नगर निगम, नगर पंचायत और पीडब्ल्यूडी के भी ऑफिसर्स थे और हेल्थ के भी। बेसिकली सभी विभाग में त्यौहार के टाइम में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहे, तो उसके लिए मीटिंग रखा गया था। इसके अलावा जो इश्यूज थे, जो रेज हुए हैं, उसको रिड्रेस कराया जाएगा। जैसे त्यौहार में जो जुलूस के रूट्स हैं उसको चेक कराया गया है, तो जहाँ जहाँ कमी बताई गई है अगले 3 दिन में वो सारे ठीक करा देंगे। इसके अलावा जो वायर्स हैं, जो लो लाइंग वायर्स हैं, उसको मतलब ठीक करके जो एप्रोप्रिएट हाइट है उस पर फिक्स किया जाएगा। जो विसर्जन स्थल है उसकी साफ़ सफाई, उसके स्लोप्स के जितने इंग्रेडिएंट्स हैं, और जैसे आपका ये एकला बंधा है वहाँ पे इश्यूज हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे विसर्जन होता है, तो वहाँ हम लोग कुछ चेकअप प्लेट्स भी डलवाएंगे। तो जो टेम्पररी घाट्स है वो बनाने का, लाइट्स का, गोताखोर का, नाव का, उसका अरेंजमेंट के संबंध में ये बैठक रखी गई थी, तो सभी चीज़ कोऑर्डिनेट हो गए हैं। और अगले 4 दिन में ये हम लोग 100% इंश्योर करेंगे कि जो जो आज निर्णय लिया गया है उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और 18th को हम लोग दोबारा इसका रिव्यू बैठक करेंगे, जो भी कुछ कमी रहेगी तो उस दिन उसको रिड्रेस कर लिया जाएगा।